नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने चल रहे हैं वो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नीचे की जो टॉपिक का जो मैंने हेडलाइन दी है उस पर देख के और थंबनेल को देख के, दोस्तों आज हम बात करने चल रहे हैं कि बिना मशीन से किस तरीके से हज़ारों कलर बनाए जा सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत समय से चला आ रहा है। बहुत से जो पुराने पेंटर हैं, जब मशीन नहीं लगी थी, जो कलर टिंटिंग मशीन थी जब नहीं थी, तो इसी तरीके से कलर बनाए जाते थे, जो कि ट्यूब में आते हैं, जो कि एक सीसी में आती है। अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं और उसी पिगमेंट से हम लोग कलर बनाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक पेंट हो, चाहे वो डिस्टेंपर हो, चाहे वो चूना हो, सब लोग उसी से ही बनता है। दोस्तों, ये जो स्टेनर है, जिसको हम लोग स्टेनर कहते हैं, वो इस तरीके से कुछ दिखता है। स्टेनर की सीसी होती है ये, अपना छोटे छोटे सीसीओ में अलग अलग कलर में। आजकल तो सबके ढक्कन भी जो है अलग अलग, जिस कलर का पिगमेंट होता है उस कलर के ढक्कन आने लग गए हैं। तो दोस्तों, ये जो कलरेंट है, ये जो पिगमेंट है, वो दो तरीके के आते हैं। एक जो आता है यूनिवर्सल, देखिए जिसमें लिखा रखा है, मैं आपको डिब्बे को दिखाऊँ तो इसमें लिखा है यूनिवर्सल स्टेनर। यूनिवर्सल स्टेनर का मतलब ये हो गया कि ये पानी में भी डाइल्यूट होगा और ये तेल में भी डाइल्यूट होगा, जो कि जैसे अगर हम पेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा, और पानी में जो डिस्टेंपर या प्लास्टिक पेंट में भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी यूज़ हो जाएगा। दोस्तों, ये कलर पिगमेंट है केवल, और स्टेनर का मतलब ही होता है कि केवल कलर स्टेन करके आपके जो भी प्रोडक्ट है, जैसे डिस्टेंपर, इनामिल, इमल्शन, सब में ये कलर को चेंज कर देगा। अगर वाइट कलर का आप कोई भी बेस रखा हुआ है, उस बेस में आपको कलर, जो भी कलर आप बनाते हैं, ब्लू, ग्रीन, पिंक, आप जो भी बनाना चाहते हैं, वो कलर इसमें से, इसको मिलाने से, स्टेनर को मिलाने से ये बन जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ये केवल कलर पिगमेंट है, इसका अपना कोई बाइंडर नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसको आपने उठा के डायरेक्ट अगर दीवारों पर लगा दिया तो ये बहुत अच्छा, बहुत दिन तक चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिना किसी अच्छे पेंट या बाइंडर में मिलाए हुए ये दीवारों पर अच्छे से नहीं पकड़ता। केवल इसका काम है, जो भी आप पेंट ले रहे हैं, जो भी डिस्टेंपर ले रहे हैं, जो भी इमल्शन ले रहे हैं, उसमें किसी तरीके से, मतलब आपके कलर को उसको चेंज कर रहा है, इसका केवल और कोई काम है। इसका अपना बाइंडर नहीं होता, ये ध्यान दीजिए। किसी भी कपड़े में अगर लग जाएगा, बहुत आसानी से इसको धुल के साफ़ किया जा सकता है। दोस्तों, इसके फ़ायदे क्या क्या, मैं आपको बताऊँ। देखो, ये सबसे बड़ा तो इसका फ़ायदा होता है कि ये किसी भी पेंट को कलर बड़ी आसानी से, बहुत सस्ते में इसको बदला जा सकता है। कुछ करना नहीं रहता है, आप इस स्टेनर को लेकर आएंगे, स्टेनर लाने के बाद आपने कलर को इस डिब्बे में मिलाया, पेंट के डिब्बों में मिलाया, इसका कलर चेंज हो गया। बिना मशीन के ये इसमें हज़ारों कलर बन जाते हैं। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती कि आपने कंप्यूटर मशीन हो, कितना डाल रहे हैं कितना, इसमें अंदाज से ही आपने एक ढक्कन डाला, 10 ml डाला, 5 ml डाला। बहुत से लोग इसको परफेक्ट जो अंदाज बनाने के लिए जो इंजेक्शन की सीरीन आती है उससे भी वो नाप के एकदम एक्यूरेट कि 10 ml हमने येलो मिलाया, 5 ml पिंक मिलाया, तो ये कि कौन सा कलर बन जाएगा। बचपन में जब हम लोग स्कूलों में आर्ट्स करते थे तो कई कलर को मिला के हम लोग जिस तरह से कलर बनाते थे कि अगर वाइट ब्लू के साथ हल्का सा वाइट मिला दिया तो आसमानी कलर बन गया, ग्रीन के साथ येलो के साथ हमने ग्रीन मिला दिया तो एक धानी सा कलर शेड बन गया। सेम उसी तरीके से इसका काम होता है, खर्च कम आता है। दोस्तों, इसको लगाने पर, मतलब अगर हम मशीन्स का कलर जो लेने जाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें मशीन की कॉस्टिंग, मशीन महंगी आती है, 1.5 लाख रुपए की मशीन आती है, वो बिजली से चलती है, कंप्यूटर से चलती है, इसको ऑपरेटर चलाता है, तो और फिर उसमें कलरेंट डाल के तब वो उसको एकदम एक्यूरेट कलर देता है। जाहिर सी बात है कि मशीन से बना कलर तो एकदम एक्यूरेट बनता है, बट इसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन ये उससे बहुत सस्ता पड़ता है। दोस्तों, लाइफ भी इसकी ठीक ठाक होती है, जैसे कि अगर हमने, अगर अंदर के दीवारों पे अगर हम सही कलर को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हम आसानी से 5-6 साल 7 साल जो भी है वो दीवारों पे कलर हम आसानी से यूज़ कर, जो किया है हमने वो दीवारों पे चला सकते हैं। बट इसमें दो तरीके के स्टेनर आते हैं, एक तो ये यूनिवर्सल स्टेनर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल स्टेनर आपको पेंट और इमल्शन में दोनों में मिलाया जाता है। एक जो नॉर्मल स्टेनर आता है जो कई कंपनियों में आता है, पीडीटिन जो कि पिडलैटी कंपनी है, उसमें दो तरीके के आता है, एक जो चूने में मिलाने वाला अलग आता है और यूनिटिन जो कि आपका सभी में मिलाने वाला यूनिवर्सल स्टेनर होता है। बाकी पेंट कंपनियां जो होती है, जैसे एशियन, नैरोलैक, बर्जर और निपॉन, एशियन, बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सबके स्टेनर आते हैं, और वो स्टेनर की खास बात यह होती है कि वो केवल यूनिवर्सल स्टेनर ही बनाते हैं। दोस्तों, ये कलर कितने में आता है ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये रनिंग कलर में आता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट, येलो ऑक्साइड कलर जो थोड़ा मटमैला पीला होता है, ऑरेंज,
ब्लैक और येलो ग्रीन इस तरीके से कुछ गिने चुने 10 से 20 शेड आते हैं, उसी से ही सारे शेड बन जाते हैं, उसी से ही सारे शेड बहुत आसानी से बन जाते हैं। दोस्तों दो तरीके के स्टेनर, जैसा कि मैंने बताया कि एक यूनिवर्सल एक नॉर्मल आता है, एक स्टेनर और आता है जो कि वुड में यूज़ किया जाता है। कायदे से अगर हम देखें तो दो तरीके के स्टेनर हो गए, एक जो पेंट में यूज़ करते हैं, एक जो वुड में यूज़ करते हैं। ये जो स्टेनर है देखिए ये इसका अपना जुबलेंट का है, और इसी तरीके से ये एशियन पेंट का है, ये वुड स्टेन कहते हैं। इसमें गिने चुने 15-20 कलर इसमें भी आते हैं, 15-20 कलर इसमें भी आते हैं जो कि आपका वुडन की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको कलर को डार्क कलर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस वुड स्टेनर को हम पेंट में यूज़ नहीं करते हैं, ना वाटर बेस में और ना ऑयल बेस में। ये दो तरीके से आते हैं। पैकिंग के मामले में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ये पैक जो इसमें है 50 ml जो ऑयल वो ये यूनिवर्सल स्टेनर में, जैसे एशियन नेलक जो कंपनी की बात कर रहे हैं, इसमें तीन तरीके के पैक ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं, 50 ml 100 ml एंड 200 ml 200 ml 50 ml एंड 100 ml। इस तरीके से तीन पैक इजली मिल जाते हैं। और जो वुड स्टेनर, है अपना वुड स्टेनर काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं, अपना 50 ml 50 ml के बाद 100 ml 200 ml 500 ml 1 liter तक में भी वुड स्टेनर आते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों, इसको करना कोई ऐसा टेक्निकल या रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, इसको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका होता है। जैसे कि मैंने एक नेरोलैक का एक शेड कार्ड अभी हमने लिया है, नेरोलैक का शेड कार्ड हमारे पास है, और देखिए इसमें किस तरीके से कलर बना रखे गए। अगर हमें ये शेड, एक येलो शेड अगर हमें बनाना है, ये शेड है, तो इसमें एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर जो होता है कि वो किसी भी पेंट कंपनियों का एक ऐसा कोड होता है जिससे कि उसकी पहचान होती है कि इसमें यही शेड बनेगा। बट इस कलर को बनाने के लिए बहुत इजी से हम येलो फास्ट येलो शेड को मिला के बना सकते हैं। फास्ट येलो शेड इस तरीके से आता है, इसमें येलो कलर का ढक्कन होता है और यहाँ पे लिखा रहता है फास्ट येलो। तो जनरली होता क्या है कि जितना कम हम इसको यूज़ करेंगे, अगर हमने मान लीजिए एक रूम के लिए हमने इसको बनाया है 5 लीटर या 4 लीटर का इमल्शन हमने लिया है, तो उसमें हम जितना लाइट शेड यूज़ करना है उतना कम से कम हम यूज़ करेंगे। अगर हम लाइट शेड यूज़ कर रहे हैं तो 2 से 3 ढक्कन ले रहे हैं या 2 से 3 बूंद ले रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कलर आपको बना, जब आपका पेंटर बना रहा है या आप बना रहे जो भी बना रहा हो कलर, तो उस समय सामने रहने की बहुत ज़रूरत है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके मिलाया। एक बार कलर आपका डार्क हो जाएगा तो जल्दी लाइट नहीं होता, फिर उसमें वाइट पेंट और मिलाना पड़ता तब लाइट बनता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लगाने का तरीका बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, जितना आपको डालना है। मान लीजिए आपने ढक्कन से डालने का ये प्लान किया, इसका ढक्कन ये खोल लिया, मान लीजिए आपने इस ढक्कन से आपका 2 से 3 ढक्कन, एक ढक्कन डाला आपके लिए मतलब का कलर नहीं मिला, दूसरे में आपने फिर एक ढक्कन मिला लिया, फिर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये आपके मतलब, आपने नोट कर लिया कि हमने 3 ढक्कन में हमने ये शेड तैयार किया है। इसी तरीके से इसमें मैक्सिमम शेड बन जाते हैं, बट एक कमी ये रहती है कि जो बहुत डार्क शेड होते हैं, जैसे ये सब जो डार्क शेड जो होते हैं, ये सब सारे डार्क शेड ये स्टेनर से बन नहीं पाते, बनते भी हैं तो इतने ख़राब लगेंगे आपको, इतने अच्छे लगेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कलरेंट इतने ज़्यादा लग जाएंगे कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। उसके लिए आपको पेंट शॉप में जाके एक बना बनाया पेंट लेना है। डार्क कलर इसमें बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं, मीन लाइट शेड और मीडियम शेड तक कलर आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टेनर है, और जिस तरीके से हमने बताया कि स्टेनर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि केवल आपके जो पेंट होते हैं, चाहे ऑयल बेस हो चाहे वाटर बेस हो, उसमें आसानी से इसको कलर को चेंज किया जा सकता है। यूज़ करने का तरीका कुछ एकदम आसान है, कभी भी इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाया जाता कि हम इसमें फेविकॉल मिला दें या कोई बाइंडर मिला दें, कुछ नहीं, आपने केवल कलर को डार्क करना। पुराने जितने भी पेंटर थे, जो बहुत सीनियर पेंटर हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब आज भी स्टेनर का यूज़ बहुत करते हैं, और स्टेनर बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है। अप कंट्री में जो थोड़ा सा गाँव वाला एरिया है वहाँ बहुत बिकता है, और छोटे शहरों में बहुत बिकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पेंट की मशीन होती नहीं, और बहुत से लोग पेंट की मशीन को प्रेफर भी इसलिए नहीं करते कि उस मशीन से कलर बनाने का झंझट, लाइट नहीं आ रही है, उन्होंने स्टेनर दिया, कलर बना के अपने हिसाब से लगा देते हैं। दोस्तों बनाना आसान, सस्ता पड़ता है, और आसानी से इजली से हर छोटी बड़ी दुकान में मिल जाता है। दूसरा एक फ़ायदा आपको और होता है स्टेनर से पेंट बनाने का, कि अगर आप छोटे छोटे डिब्बे लेते हैं, अगर 1 लीटर की पैकिंग लेते हैं या 4 लीटर की पैकिंग लेते हैं, तो आपको छोटे छोटे डिब्बे लेने पे थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे। तो आपने क्या किया कि 20 लीटर का एक पेंट ले लिया बाल्टी, और उस बाल्टी में हमने स्टेनर ले लिया, अलग अलग कमरों के हिसाब से या अलग अलग वॉल के हिसाब से हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी
क्रिएटिव होके अलग अलग कलर हम स्टेनर के माध्यम से बना सकते हैं। तो एक ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और पेंट इंडस्ट्री में ये एक बहुत ज़रूरी है और पेंट की शॉप में हर छोटी बड़ी शॉप में ये इजीली मिल जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग आती है ये बहुत महंगा नहीं पड़ता, 50 ml का जो 50 ml का जो है वो 30-40 कुछ कलर के हिसाब से, कुछ कलर ऐसे है कि 35 के मिल जाते हैं, कुछ 40 के मिलते हैं, कुछ 50 के मिलते हैं। तो जो 50 ml है वो लगभग 40-50 के बीच में मिल जाता है रुपीज़ में, 100 ml लगभग 70-100 के बीच में मिल जा रहा है, और 200 ml लगभग आपका 160-200 के बीच में आपको इजीली 200 ml मिल जा रहा है। तो दोस्तों ये जो स्टेनर है, स्टेनर अपने आप में एक बेस्ट प्रोडक्ट है और सभी कंपनियों में आता है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप स्टेनर यूज़ करें ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी किसी ब्रांड कंपनी का यूज़ करें, एशियन पेंट, नैरोलैक, बर्जर और ICI और अपना शालीमार, ब्रिटिश से जो आप अच्छी बड़ी कंपनियों के जो स्टेनर होते हैं वो जल्दी फीड नहीं करते। आजकल लोकल ब्रांड भी बहुत इसमें से आके हैं जिसको आप जानते भी नहीं, उनसे मिलते जुलते नाम के भी बहुत से आ जाते हैं, जैसे नैरोलैक में निकोलैक करके इस तरीके से आया गया, एपकोलाइट के नाम से एक अलग स्टेनर की पूरी सीरीज मार्केट में देखने को मिलती है लोकल में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप जो पेंट दे रहे हैं, पेंट तो आपने अच्छी क्वालिटी का लिया, तो इस स्टेनर को भी आप अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। उसे पेंट में थोड़ी सी जो ब्राइटनेस, जो कलर की जो एक क्या कह सकते हैं उसे, जो फिनिशिंग होगी, कलरेंट की जो चमक होगी वो अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये एक स्टेनर को लेके एक छोटा सा रिव्यू हमने दिया कि स्टेनर क्या होता है, किस तरीके से बनता है इसे पेंट और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे तो ठीक ठाक हैं, आप लोग भी इसका कलर बनाइए इस बार दिवाली पे, अभी जो भी नए फेस्टिवल आ रहे हैं जब अपना घर पेंट कराना चाह रहे हैं तो आप स्टेनर का यूज़ कीजिए। और पेंट को अलग अलग, आपने एक बड़ी बाल्टी ले लिया उसमें से 50 कलर बनाया अपने कमरे को यूज़ किए, तो एक बार यूज़ कीजिए। आज अपने ब्लॉग में बस इतना रखते हैं दोस्तों। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है और मेरे ब्लॉग में आपको पेंट से रिलेटेड बहुत से अच्छी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस दोस्तों और लोगों को भी बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जिसमें कि हम पेंट से और पेंट रिलेटेड प्रोडक्ट, पेंट से कंपनियों के बारे में, पेंट बिजनेस के बारे में हम आपको आके बताते रहेंगे और भी नई नई चीज़ें जानकारी देते रहेंगे कि क्या पेंट इंडस्ट्री में चल रहे हैं और क्या नई चीज़ आने वाली है। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से एक नए प्रोडक्ट के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।